हेलो, गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास. माई सेल्फ नेहा वर्मा. तो शुरू करते हैं आज की क्लास. आज हम इंग्लिश में चैप्टर 7 के वर्ड मीनिंग करेंगे. उसमें पहला है फॉक. फॉक मीन्स होता है पीपल. प्रिवेल, प्रिवेल मीन्स होता है वेन. स्ट्राइव, स्ट्राइव मीन्स होता है लेबर. पेशेंस, पेशेंस मीन्स होता है बियरिंग. टास्क, टास्क मीन्स होता है वर्क या एम. कॉन्कर मीन्स होता है टू विन. तो ये आपको चैप्टर 7 है. इसके वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में लिखने हैं और इसको लर्न भी करना है. तो आई होप आप लोग कर लोगे. तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं. देन हिंदी में भी आप पार्ट 7, सूर्योदय का देश जापान, इसके शब्द अर्थ करोगे. तो ये आपको पता है, अभी हमारा रिवीजन ही चल रहा है. तो उसमें पहला है बेचैन. बेचैन का मतलब होता है व्याकुल. आदर सत्कार, आदर सत्कार का मतलब होता है आओ भगत. द्वीप, द्वीप मीन्स होता है टापू. इस्तेमाल मीन्स होता है प्रयोग. बालिका मीन्स होता है लड़की. सरल मीन्स होता है सीधा साधा. सूर्योदय मीन्स होता है सूरज का उगना. किस्म मीन्स होता है प्रकार. उपहार मीन्स होता है भेंट. सादगी मीन्स होता है सरलता या भोलापन. तो ये वर्ड मीनिंग आपको, शब्द अर्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, प्लस इसको आपको लर्न भी करना है. तो हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं. देन मैथ्स में हम एक्सरसाइज 7D कर रहे थे. उसमें हम क्वेश्चन 2 कर रहे थे, डिवाइड एंड वेरीफाई द आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो आपको डिवीजन करना तो आ ही गया है. आपने इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में ऊपर डिवाइड किया था. एंड वेरीफाई करना भी आपको आता है. वेरीफाई करने का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने. जो जैसे कि हमने 56 से 5 को मल डिवाइड किया, तो 5 1 5, 6 उतारा, यहाँ पे भी आएगा 5 1 5, तो हमारा 1 रिमाइंडर आया है ना. 11 क्वेश्चन आया, 1 रिमाइंडर आया. तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है, होता है डी मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आर. तो हमारे यहाँ पे डी क्या है, ये जो होता है ना डिविजर, ये होता है यहाँ पे हम लिखेंगे. और क्वेश्चन हमारा है 11, यहाँ पे लिखेंगे. प्लस रिमाइंडर हमारा है 1, यहाँ पे लिखेंगे. तो ये हो गया 55 प्लस 1 इक्वल टू 56. तो ये हमारा डिविडेंड आ गया. तो ये क्वेश्चंस आप ऐसे सॉल्व करोगे. तो ये आप करोगे जी से लेके एल तक. तो आई होप आप लोग कर लोगे. तो आज के लिए बस इतना ही. बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं. तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर.